और बात करेंगे खबरों की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज बीजेपी शासित राज्यों के सीएम परिषद की बैठक, पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे बैठक। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम होंगे शामिल। आज दोपहर 3:30 बजे भारत मंडपम में होगी बैठक। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम परिषद की बैठक होनी है और 3:30 बजे भारत मंडपम में बैठक होगी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम जो है इस दौरान शामिल होंगे और पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक लेंगे। सीएम परिषद की बैठक होनी है और 3:30 बजे जो है ये बैठक होगी। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज बीजेपी शासित राज्यों के सीएम परिषद की बैठक होनी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें मौजूद रहेंगे और बैठक लेंगे। तो पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक लेंगे और इस दौरान जो है तमाम बीजेपी शासित राज्यों के सीएम जो है मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। आज बीजेपी शासित राज्यों के सीएम परिषद की बैठक होनी है। दोपहर 3:30 बजे बैठक होगी। दोपहर 3:30 बजे भारत मंडपम में बैठक जो है आयोजित की गई है। तो बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। आज बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की परिषद की बैठक होने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक लेंगे। राज्यों के सीएम परिषद की बैठक होने जा रही है और इसमें जो है तमाम बीजेपी राज्य जहां शासित राज्य है वहां के सीएम और डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे और यह बैठक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के नेतृत्व में होगा। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम परिषद की बैठक होने जा रही है और भारत मंडपम में बैठक का आयोजन किया जा रहा है जो कि 3:30 बजे दिन के 3:30 बजे दोपहर 3:30 बजे बैठक का आयोजन किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आज बीजेपी शासित राज्यों के सीएम परिषद की बैठक होनी है, क्या जानकारी है? जूही देखिए, लगातार बीजेपी की 2 दिन की दिवसीय बैठक है और भारत मंडपम में की गई थी। कल भी लगातार वहां पर बैठक की गई थी। वहां भी चुनावों को लेकर जो तैयारियां की गई है वो कहीं ना कहीं वहीं से गुरु मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया जा रहा है। यानी कि अब तो 24 का चुनाव है, उससे पहले जो कड़ी बैठक की गई थी उसका कई ऐसे मंथन किया गया था। लेकिन जिस तरह से भारत मंडपम के अंदर बैठक की जा रही है, सभी प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री है बीजेपी शासन के वो वहाँ मौजूद है, मुख्यमंत्री मौजूद है, कुछ मंत्री वहाँ मौजूद है और लगातार कहीं ना कहीं देखिए हमारे जिला अध्यक्ष भी वहाँ मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। तो चुनावी बिगुल बज चुका है। लगातार प्रधानमंत्री की अगुवाई में ये बैठक की जा रही है, एक अहम बैठक की जा रही है क्योंकि लगता है कि 370 के पार, यानी कि लगातार जो वचन आज के 370 के पास यानी 400 पार, तो इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। तैयारी की जा रही किस तरह से हम बोलूँ तो अभी तक 10 साल का जो काम है मोदी सरकार का वो किस तरह से पब्लिक को पब्लिक के बीच में गिराया जाए, किस तरह से कहा जाएगी कि मोदी है तो मोदी ने, तो लगातार कहने का चर्चा में। लेकिन ये है कि जिस बैठक के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा निकला वो चुनाव मुद्दा है और इस पर तैयारियां पूरी तरह से, क्योंकि गृह मंत्री यहाँ मौजूद रहेंगे, आज राजनाथ सिंह यहाँ मौजूद रहेंगे, जो जेपी नड्डा वो यहाँ मौजूद रहेंगे और सबको संबोधित करेंगे। उसके बाद समापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद रहेंगे, यानी कि उनके 10 मंत्र हैं, 10 मंत्रों को इन सभी को बताया जाएगा किस तरह से धरातल पर हमने काम करना है और 2024 में जो हमारा आंकड़ा है वो किस तरह से पार कर पाएंगे। जी, तो हमने हमेशा देखा है कि जब भी चुनाव नजदीक होता है तो प्रधानमंत्री खुद काफी एक्टिव होते हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर उन्हें टिप्स भी देते हैं और इस बार भी यही कहा जा रहा है कि आज फिर से वो अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बिल्कुल जी, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जब से 10 साल से लगातार कार्यकाल में रहे हैं, वो चाहे वो छोटे तब के लोग हो, झाड़ू मारने वाला लोग हो, चाहे आईपीएस ऑफिसर क्यों ना हो, उन सभी से वो एक परिवार जैसा संबंध रखते हैं, मुलाकात करते हैं। वो कभी ये नहीं देखते कि ये छोटा आदमी है या बड़ा आदमी है, वो अपने जैसे समझते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसा ही है। तो देखिए यही लोगों का प्यार है जो उन्हें लगातार 10 साल से 2 बार सीट पर बैठाया, हो सकता है यही प्यार उनका 30 बार उनको बैठाए, क्योंकि जनता में भी प्यार है। और जिस तरह से जो मोदी ने कहा, चाहे 370 की बात करें, चाहे राम मंदिर की बात करें या किसानों के हित की बात करें, कई योजना की बात करें, कई योजना उन्होंने लागू की तो कहीं ना कहीं जनता का पहुंचा, लाभ पहुंचा, जो सब्सिडी आती थी वो भी उनको मिल रही है लगातार। जो भी योजना बनती थी पहले वो नहीं जाता था, उनका भाषण होता है
इस योजनाएं तो पास होती थी लेकिन जनता के हित का काम नहीं होता था। तो देखिए वो मोदी सरकार लगा रही है, वही मंत्र आज समापन पर दिया जाएगा। तो कहीं कहीं मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से भी जानकारी लीजिए, आखिर आपके राज्य में क्या काम चल रहा है, पब्लिक क्यों परेशान है, क्या समस्या है, उन पर भी चर्चा की जाएगी। वही उनके मंत्री या सांसदों से भी यही चर्चा की जाएगी कि आपके क्षेत्र को आपको दिया जाता है, आपकी जिम्मेदारी होती है, तो क्या कमी है वो उससे पहुंचा था, जो कमी है वो अगली बार हो। तो देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी धरातल से काम करती है और यही मंत्र मोदी सरकार का रहेगा और 2024 में जो 400 पार का आंकड़ा था वो सामने आ सकता है। जी अजय, कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा था कि इस बार जो है लोकसभा की 370 सीटें जीतना केवल लक्ष्य या जो है लक्ष्य और जीत का आंकड़ा नहीं है, यह जो है बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए श्रद्धांजलि होगी। बिल्कुल, देखिए जैसे प्रधानमंत्री हमेशा बात करते हैं, अब जैसे लगातार 370 का लक्ष्य नहीं है, अभियान है देश को आगे, जो अर्थव्यवस्था है 2047 विश्व को बनाई बात कही थी, वो कहीं ना कहीं वो यूए में कहें चाहे भारत में कहें चाहे कहीं भी जाए, वो एक उनका है कि भारत को 2047 बनाए, एक नंबर पर लक्ष्य हो गया, अभी पांच नंबर पर आ गया। तो देखिए कहीं ना कहीं जो प्रयास लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और 370 का जो बात कर रही है वो कहीं ना वही भारत की उपलब्धि होगी, क्योंकि अभी कई जो गठबंधन की बात करें तो जो गठबंधन अब बिखरता नजर आ रहा है, उन्हीं के साथी, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के सांसद छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम मोदी के खिलाफ नहीं जीत पाए, क्योंकि मोदी लहर सबसे बड़ी लहर है और मोदी जो कर रहे हैं वो, और जनता भी ये जानती है कि आखिरकार कोई प्रधानमंत्री ऐसा है जो इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में जहां भी जाते हैं मोदी मोदी और भारत के नारे लगते हैं, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि जनता भी जानती है, पढ़ी लिखी जनता भी जानती है, जो गाँव ग्राम क्षेत्रों में रहते हैं वो भी जानती है कि भाई मुमकिन है, क्योंकि ऐसे ही नेता भारत को चाहिए ताकि भारत की उत्पत्ति आगे जाए और विकास होता रहे। अजय, पीएम मोदी की एक खास बात है, वो हर वर्ग से जो है कनेक्ट होते हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, युवा हो, और कल भी उन्होंने अपने संबोधन में मातृशक्ति पर विशेष ध्यान देने के लिए कार्यकर्ताओं से कहा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि महिलाओं का जो है आशीर्वाद होना जरूरी है और इनके लिए जो कार्यकर्ताओं को एक्टिव रहने की जरूरत है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है, जैसे कि मोदी जी कहते हैं नर है नारायण है, नारी है नारायण है, तो ये शब्द सबसे बड़ा होता है, चाहे सांसद हो चाहे कोई भी हो, जो शब्द तो नारी से बड़ा, कोई अगर नारी घर में है और जो महिला घर का सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो घर चलाना उनकी जिम्मेदारी होती है, कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार जो चीज है सामने, तो वही उपलब्धि है उनकी। मोदी जी अब जानते हैं कि मैं किस स्थिति से आया, उनकी माता भी आज भी थी लेकिन लगातार प्यार करती थी, तो ये कहीं ना कहीं जो महिला है वो सम्मान के लायक होती है, तो महिला को जो आरक्षण से जा रहा है कि बिल पास किया है उनके हक की, आगे तक वो अपने पैरों पर खड़े रहना जिम्मेदारी है, क्योंकि आज की देश की नारी कम नहीं है, हर चीज में चाहे पुरुष के पीछे हो लेकिन नारी हमेशा आगे जा रही है। उन्होंने कहा यंत्र चाहे जहाज उड़ा लें, चाहे मिलिट्री में रहे, चाहे दुश्मनों से लड़ती रहे, वो नारी है। तो देखिए नारी का सम्मान करना ही मोदी जी का सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है और उन्हीं के हित की बात भी करते हैं, तो आने वाले वक्त में जो घर का जो विकास किया जा रहा है, जो उनके विचार है, जो उनके वचन है वो सामने आ रहे हैं, वही मंत्र इस दो दिन के अंदर अभी अपने कार्यकर्ता हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे छोटे से धरातल कार्यकर्ता हो उसको संबोधित करते हैं। जी अजय, बने रहे हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे और बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्र सरकार और किसानों के बीच आज फिर होगी बैठक, सरकार और किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की बैठक आज होने जा रही है, तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है, आज फिर से किसान नेताओं और सरकार के बीच जो है चौथे दौर की बैठक होने जा रही है। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे पहले भी तीन बार बैठक हो चुकी है, किसान और सरकार के बीच पहले भी तीन बार बैठक हो चुकी है और एक बार फिर से आज किसान और केंद्र सरकार के बीच बैठक होने जा रही है, तो किसान की मांगों पर नहीं निकला अब तक कोई समाधान, तो किसान की मांगों को लेकर अब तक जो है कोई समाधान नहीं निकला और पहले भी तीन दौर की बातचीत हो चुकी है और आज एक बार फिर से चौथे दौर की बातचीत होगी किसान संगठन और सरकार के बीच, तो एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसान डटे हुए हैं और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आज फिर से किसानों के और सरकार के बीच जो है बातचीत होगी, बैठक होगी और सरकार और किसान नेताओं के बीच आज चौथे दौर की बातचीत होने जा रही है, तो किसानों और केंद्र सरकार के बीच आज चौथे दौर की बातचीत होने जा रही है, नेताओं के बीच जो है ये चौथे दौर की बैठक है, इससे पहले भी तीन बार बैठक हो चुकी है, हालांकि अब तक किसानों की मांग को लेकर कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है और बता दें कि एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर जो है पिछले कई दिनों से किसान
प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर जो इनका धरना प्रदर्शन जारी है, उसी के साथ जो है किसान और प्रशासन के बीच झड़प भी देखने को मिली थी और लगातार जो है किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और एक बार फिर से आज इन मांगों को लेकर किसान और सरकार के बीच बातचीत होने जा रही है। और दिल्ली से अजय हमारे साथ लगातार बने हुए और गाजियाबाद से प्रवीण भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण, हम बात करें अगर बॉर्डर्स की, तो अभी फिलहाल क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? जी रीत, आपको बता दें दरअसल जो दिल्ली यूपी का जो गाजियाबाद बॉर्डर पर है, इसका लगातार पुलिस जो बैरिकेडिंग और सीमेंटेड बैरियर लगा चुकी है ताकि कोई भी किसान से कुछ भी पूछ ना कर सके। फिलहाल जो 17 तारीख को मुजफ्फरनगर के किशोरली में जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता है राकेश पटेल ने महापंचायत की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब के जो किसान का पदाधिकारी है उस मोर्चे यूनियन को, उनसे महापंचायत में उन्होंने बात रखी कि जो पंजाब हरियाणा का जो किसान है लगातार सब दिल्ली कूच करने की जिस तरह आंदोलन में लगातार शामिल है, उनको लेकर उन्होंने अपने विचार रखे, जिसमें उनकी सहमति रही कि हम दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन 21 फरवरी का उन्होंने जो है अभी सभी जिला मुख्यालयों पर जो पदस्थ की चेतावनी दी है। और बिल्कुल आपको बता दें जो भी जो दिल्ली गाजीपुर का जो बॉर्डर है, इसके एहतियात महापंचायत के बाद लगातार पुलिस फोर्स बना दी गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से RAF और SSP लगा दी गई है और गाजियाबाद पुलिस की तरफ से जो PSP है और उनकी गाजियाबाद पुलिस और लोकल यूनिट भी लगा दी गई, जिससे कि अगर कोई किसानों की सूचना होती है दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर आने की तो पुलिस उन्हें रास्ते में रोक सके। जी। और अजय, हम आज जो है देख रहे हैं कि पिछले पहले भी 3 दौर की बातचीत होने हो चुकी है और आज एक बार फिर से जो है 4थे दौर की बातचीत होने जा रही है सरकार और किसानों के बीच। क्या लगता है आज समाधान निकल पाएगा किसानों के बीच और सरकार के बीच? जैसे लगातार 3 बैठकें गई, उसमें कुछ मांगे थी जो सरकार ने मान ली गई था, लेकिन किसानों का कहना है कि जो MSP है वो गारंटी दी जाए और लिखित में दिया है उसको लागू किया जाए। यानी कहीं MSP का जो मुद्दा वो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया इसके अंदर। वही अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से जो पेंशन की बात कहते हैं, जो किसानों की पेंशन हर महीना 10,000 रुपया होना चाहिए, उनके योजना का होना चाहिए, जो जो किसी मृत्यु हुई थी 700 के आसपास उनको उनको मुआवजा दिया जाए, तो देखिए ये कई ऐसे मांगे। वही बिजली की बिल की बात करें, जो 12 जिला उनका ऋण माफ किया जाए, तो ये कई मांग है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है MSP। अगर MSP की बात मान ली जाती, सरकार कर लेती है, तो कहीं ना कहीं जो धरना है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन लगातार जो उनकी मांग है हरियाणा बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं पंजाब से हुए, वो काफी तादाद में आए हुए हैं। उनका एक ही कहना है कि हमें दिल्ली जाना है, लेकिन कई खबरें ऐसी भी आई है कि वो अपने नेताओं के माध्यम से बात करना चाहते थे, लेकिन उनका कहना है कि हम शांतिपूर्वक दिल्ली जाएंगे अपनी मांगे। यानी कहीं ना कहीं जो मांग है वो मांगी जा रही, लेकिन जो MSP की गारंटी है वो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राकेश टिकटा में यह भी आना है कि इस बार हम चुनावों से पहले, अगर हमें चुनाव से पहले ये MSP गारंटी नहीं दी मोदी जी ने, तो हो सकता है कि 2024 में और इससे बड़ा आंदोलन देखने को मिले, क्योंकि पंजाब से लगातार ट्रैक्टर ट्रॉली से भर के लोग पहुंच रहे हैं, वहां चक्का जाम लगा है। उसके कारण वहां के जो लोग हैं, जो दुकानदार, जो मार्केट है, वो काफी परेशान हो रखे हैं, क्योंकि उनको सामान नहीं है और महंगाई में बढ़ने लगी है। जो आम लोग जो जिंदगी जीते हैं उनकी बड़ी समस्याएं सामने आ रही है, क्योंकि रोजगार नहीं हो रहा है, सामान कहां से खरीदे, 1 रुपए का माल 10 में मिलता, तो कहीं किसानों को ये सोचना चाहिए कि हमारे कारण इनको भी दिक्कत है। तो आने जाने की जो जगह है वो छोड़िए, क्योंकि बॉर्डर पूरे सील कर दिए गए ताकि कोई भी अज्ञात लोग दिल्ली ना पर, तो दिल्ली या पहुंचना ही पहले हालात देखे थे कि ऐसे ना बिगड़े। तो देखिए आज जो बैठक होगी अर्जुन मुंडा पीयूष गोयल के बीच में, तो किसानों के साथ लेकर के, तो क्या MSP पे गारंटी बनेगी या उनकी जो पेंशन है उन पर गारंटी बनेगी, ये सवाल मुद्दा रहेगा। जी, और प्रवीण, अर्जुन मुंडा ने पहले भी कहा था कि MSP पर हम सीधे कानून नहीं बना सकते हैं, इतनी जल्दबाजी में फैसला नहीं ले सकते हैं, इसके लिए जो है बातचीत से ही सुलझाने की कोशिश करेंगे। जी, जी आपको बताएं दरअसल जो 3रे दौर की बैठक है उसमें भी लगातार किसान अपनी जो 13 मांग थी उनमें से 17 से 10 मांगों पर तो सहमति जता दिया, लेकिन जो 3 मांगे रह गई जिसको लेकर किसान लगातार पिछले 3 साल 2 साल पहले भी उन्होंने आंदोलन किया था, इस बात पर 3 दौर की बैठक में उनके बीच में किसी तरीके की सहमति नहीं बनती दिखाई दे रही। अर्जुन मुंडा हो या विद्यानंद हो या PS धोन हो, लगातार उनकी 3रे दौर की बैठक भी खत्म होगी। आज रविवार तो उनकी 4थे दौर की बैठक होगी, उसके बाद ही नतीजा निकल कर आएगा कि किसानों की जो जायज मांग है उनको सरकार कितनी मांगती है। लेकिन किसान भी अपने इन 3 जो उनकी मांगे रह गई उससे अड़े हुए हैं और उससे पीछे हटने को भी तैयार है। वही जो राकेश टिकैत है उनका भी बयान है, अभी जो किसान मजदूर मोर्चा
और एसपीएम संयुक्त किसान मोर्चा के जो बैनर तले ये पूरा आंदोलन हो रहा है, उसके अंदर उनके पदाधिकारी जो नेता दल है वो उस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। उनका कहना यह है, राकेश सिंह का कहना है, अगर उनकी मांग को नहीं पूरा किया जाता तो 21 फरवरी को हम जिला मुख्यालय प्रदर्शन करेंगे, 26-27 को NH9 जो गढ़ मुक्तेश्वर से लेकर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर तक जाता है वहां पर एक साइड अपने ट्रैक्टर को तैयार रखेंगे और उत्तराखंड से सहारनपुर से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक भी अपने ट्रैक्टर को तैयार रखेंगे। एक चेतावनी को देने के बाद कल सरकार को सोचना पड़ेगा कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन तेज हो सकता है, क्योंकि दरअसल आपको बता दें चाले आचार संहिता भी लगने को है, लोकसभा के चुनाव आने वाले को भी किसान लगातार इसी चीज का फायदा उठाते हुए अपनी मांगों को चाह रहे हैं कि जो पिछले 2 साल पहले हमने अपना आंदोलन किया था उनके साथ एक छलावा किया था, इस बार ऐसा कोई छलावा ना हो, सब पक्का निर्णय लेकर किसान आंदोलन करेंगे और आने वाले समय तय करेगा कि किसान आज तय करेगा कि किसान की मांगे मानी जाती है या नहीं मानी जाती। लेकिन आज के जो गोल्ड बैठक की मीटिंग है वो अहम बताई जा रही है, क्योंकि किसानों का कहना यह है कि हम लगातार सरकार से अपनी इन तीनों मांगों के अलावा और जो इससे उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। अब सरकार बताएगी कि किसानों का आगे झुकेगी या किसान सरकार का आगे झुकेगी, वो आपकी मीटिंग के बाद पता लगेगा। जी प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसानों की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और बात करेंगे अगली खबर की। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, सरयू पर 2 लेन का एक और पुल बनेगा, पुल बनने से धर्म पथ की बढ़ेगी चौड़ाई। तो ये बड़ी जानकारी अयोध्या से सामने आ रही है, डीएम नीतीश कुमार ने धर्म पथ का किया निरीक्षण। तो अयोध्या से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, डीएम नीतीश कुमार ने धर्म पथ का निरीक्षण किया है और पुल बनने से धर्म पथ की चौड़ाई भी बढ़ेगी। तो अयोध्या से जानकारी सामने आ रही है, सरयू पर 2 लेन का एक और पुल बनाया जाएगा। तो सरयू पर 2 लेन का एक और पुल बनेगा और इसके लिए डीएम ने जाकर जो है निरीक्षण भी किया है। अयोध्या से जानकारी सामने आ रही है, अब जो है सरयू लेन पर एक और पुल बनाया जाएगा और इसके लिए जो है डीएम ने खुद जाकर वहां जायजा लिया, निरीक्षण किया है और सरयू पर 2 लेन का एक और पुल बनाया जाएगा। और इसी बीच बेगूसराय से बड़ी खबर सामने आ रही है, दुल्हन सहित 3 लोगों की हत्या, जबरन शादी के बाद 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। तो बेगूसराय से बड़ी खबर सामने आ रही है, जबरन शादी के बाद 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। दुल्हन को ससुराल छोड़ने गए थे दुल्हन के भाई और पिता, दुल्हन भाई और पिता की हत्या कर दी गई है। तो बेगूसराय से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दुल्हन भाई और पिता की हत्या कर दी गई है। दुल्हन को ससुराल छोड़ने गए थे दुल्हन के भाई और पिता, तभी इस दौरान जो है दुल्हन और भाई और पिता को जो है उनकी हत्या कर दी जाती है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, दुल्हन सहित 3 लोगों की हत्या का मामला बेगूसराय से सामने आया है। और बढ़ते हैं आगे, मामला मिर्जापुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के पिपरा दाढ़ का है, जहां गांव के पड़ोस वाले ने सुबह उठकर देखा तो पेड़ पर लटकता महिला का शव देखकर पुलिस को खबर दी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि महिला चुनार की रहने वाली है, महिला ने प्रेम प्रसंग की वजह से फांसी लगा ली। वहीं पुलिस ने एक लड़के को हिरासत में लिया है। चौड़ाई बड़ी है, हाँ यहाँ पे हम लोग ये धर्मपथ की चौड़ाई बड़ी है और जो गोंडा के जो ब्रिज है, पुराना ब्रिज है, उसको हम लोग उसके समानांतर हम लोग 2 लेन का ब्रिज और बनाएंगे, तो यहाँ 4 लेन की कनेक्टिविटी होगी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही, खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।